फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और बच्चों का हाफ डे हो जाता है आज। तो आप देख सकते हैं बच्चों को कितने मज़े से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। तो थकते हुए बैग वैग टांग के बिल्कुल चलते हुए आ रहे हैं। तो ये है देखिए असली संघर्ष पहाड़ों में रहने का। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन बैग्स देखिए काफ़ी भारी भारी होते हैं आज। तो चलिए सैटरडे है, हाफ डे है और सामने मौसम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है और है 5 नवंबर। तो अभी मैं फ्लैट्स के पास हूँ और अभी चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाती हूँ आपको आज क्या खास हो रहा है नैनीताल में। तो चलिए फिर साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मौसम कुछ मिला जुला सा बना हुआ है, बहुत क्लियर भी नहीं है और एकदम से बादल भी नहीं है। लेकिन आपको नीचे दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे बन रही है आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग के लिए रॉक। और सामने देखिए पेड़ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं ये पेड़। अभी और भी इनके पत्ते झड़ जाएंगे तो ये बिल्कुल खूबसूरत से लगने लगेंगे। तो देखिए फ्लैट्स का हाल तो वैसे ख़राब ही हो रहा है। यहाँ पे इस जगह पे बन रही है आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग रॉक, तो यहाँ पे कुछ एडवेंचर टूरिज्म शुरू करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और ये देखिए मेरे आज कान थोड़े से बंद हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कोल्ड हो रहा है मुझे। तो देखिए धूप अभी चली गई है यहाँ पे से, लेकिन हम चलते हैं थोड़ा आगे और आगे एक्सप्लोर करते हैं कि आज कैसा हो रहा है। वैसे भी आज सैटरडे है तो थोड़ा भीड़ भाड़ तो होगी होगी। तो ये है सिग्नेचर पॉइंट यानी कि लेक नैनीताल का। ये देखिए बोट स्टैंड में भीड़ थोड़ा कम है। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है लेक के किनारे। देखिए तो ये जो यॉट्स हैं ये बड़ी सुंदर लग रही हैं। और 9 नवंबर को जैसा कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, तो यहाँ पे सेलिंग रिगाटा होने वाला है, वो हम लोग ज़रूर शूट करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए मौसम, धूप नहीं आ रही है और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। ये देखिए बास्केट्स रखी हैं फोटोज़ खिंचवाने के लिए, फूलों वाली। और बोट्स एज यूजुअल रिपेयर हो रही हैं उसका। तीन के साथ एक फ्री। तो क्योंकि बोट का काम चल रहा है रिपेयरिंग का, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों के खिलौने। तो सबको अपना अपना कुछ ना कुछ रोज़गार चाहिए ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तैयारी हो रही है। तो आजकल इधर बोटिंग की बोट्स की रिपेयरिंग भी चल रही है। देखिए तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। देखिए तो ये रिपेयर हो चुकी है, अब इसकी पॉलिश बाकी है। यहाँ पे चल रही है पॉलिश। देखिए बोट लेक का पानी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है पानी कम होता जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पानी 2 सीढ़ी नीचे जा चुका है और अब 3री सीढ़ी नीचे जाने के कगार पे है। वो देखिए सामने का नज़ारा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लगने लगे हैं फड़, जो कि टाइम से पहले लग रहे हैं, लेकिन अभी 4 से 6 में तो क्या ही काम होगा वैसे। तो ये फड़ थोड़ा सा
जल्दी लगने लगे हैं। और मेन आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जो लोकल लोग हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है उनके लिए ये फंड अलॉट होने चाहिए, ना कि बाहर वालों के लिए। तो ये तो सही बात भी है कि जो लोग बाहर से आके यहाँ पे एक तरह से कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर दुकानें छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं उस वजह से। तो जो प्रेफरेंस है वो लोकल्स को ही मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोग की क्या राय है उसके लिए ये बताइएगा, क्योंकि जो लोग लोकल्स हैं जिनके पास और कोई कारोबार नहीं है उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, और जो बाहर से आ जाते हैं उनको दुकानें लगाने देते हैं। तो एक तरह से नाइंसाफ़ी ही है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, दर्शन कीजिए मंदिर के। अभी आज है शनिवार का दिन और सामने हैं हनुमान जी। तो देखिए मंदिर में काफ़ी चहल पहल है, टूरिस्ट अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे। तो जो भी आता है नैनीताल मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत आस्था अभी भी बाकी है लोगों में। तो चलिए थोड़ा सा ठंडी सड़क की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं लेक कैसी दिख रही है आज। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ठंडी सड़क पे, और जैसा कि नाम है इसका ठंडी सड़क, तो यहाँ हो रहा है काफ़ी ठंडा। तो शहर के हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है तो क्योंकि इसका नाम ही ठंडी सड़क है तो यहाँ ठंडा ही होता है। धूप क्योंकि यहाँ बहुत कम आती है, थोड़ी देर सुबह के टाइम पे बस, उसके बाद चली जाती है। ओहो, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी एक बोट स्टैंड है, तो मुझे लगता है कोई शायद ग्रुप आया हुआ है जिसकी वजह से इतनी भीड़ है। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं फिर वहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए हैं तो अभी चलते हैं शनि मंदिर तक, क्योंकि आज शनिवार भी है तो शनिदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और इस रोड की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत रोड है। और जैसा कि आपको मैंने हमेशा ही बोला है कि यहाँ पे वॉक करना बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर वॉक करना, चाहे आप सुबह के टाइम पे आएँ, दिन में आएँ, शाम को आएँ, कभी भी यहाँ पे वॉक करने आया जा सकता है। और बड़ी शांति का अनुभव होगा क्योंकि बिल्कुल देखिए लेक से लगी हुई रोड है। तो मैं थोड़ा सा नीचे उतरती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है सिंगल लेक, अकेली सी बोट, और शायद इसका मालिक आज आया नहीं है, लेकिन व्यू देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल पेड़ों की डाल के बीच में से लेक दिख रही है, तो बड़ा खूबसूरत ही लगता है। और अगर आप थोड़ी देर यहाँ खड़े हो जाएं शांति से तो बड़ा रिलैक्स आप फील करेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग सी जगह है। लेक के पास आप बिल्कुल नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं, ये देखिए। और आज तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ मुझे दिख भी नहीं रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत शांत है सब कुछ, सिर्फ एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए पत्ते कितने सुंदर हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर कलर है इन पत्तों का। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग भी नैनीताल आएँ तो इस सड़क पे वॉक करने ज़रूर आइएगा, इस जगह का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा, बड़ी अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करके, तो ज़रूर आइएगा आप, मेरा सजेशन तो यही है। और अभी यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे भी है एक सिंगल बोट पत्तों से भरी हुई, खूबसूरत लग रहा है।
तो फ्रेंड्स सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो यहाँ के लोकल्स भी हैं उनसे भी और जो बाहर से आए हैं उनसे भी, कि प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा कूड़ा कूड़ा दिख रहा है, तो वो जितने लोग यहाँ पे आएंगे कूड़ा करके जाएंगे तो वो देखिए यहाँ की जो ब्यूटी है उसी को ख़राब करेगा। तो प्लीज़ लोकल्स एंड टूरिस्ट दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आके कूड़ा ना फैलाएं। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर दिख रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही जाना पड़ेगा। ये देखिए एक तो बिल्कुल यहीं पे बैठा है, अटैक भी कर सकता है वैसे तो, पर लंगूरों से उतना खतरा नहीं होता जितना बंदरों से होता है। यहाँ पे काफ़ी लंगूर और बंदर हैं, बंदर तो नहीं है सॉरी लंगूर है। तो मैं पहले इसको क्रॉस कर लेती हूँ। तो मैं पहुँच तो गई हूँ शनि मंदिर तक, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं लंगूर मेरे आगे पीछे अगल बगल सब लंगूर ही लंगूर हैं। और ये तो देखिए बेबी के साथ है, और ये देखिए दो लंगूरों ने यहाँ पे ऐसा आतंक मचा रखा है, उजड बना बच्चे हैं क्योंकि, और बच्चे जो हैं वो थोड़ा शैतान होते हैं, तो देखिए फाड़ने में लगे ऊपर बैनर। वैसे तो देख के मज़ा ही आ रहा है इनको। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दर्शन कर लिए हैं, आप भी कीजिए। ये सामने है शनिदेव का मंदिर और आज है शनिवार, तो अच्छा है कि मैं यहाँ तक आ गई आप लोगों के बहाने। तो और इधर देखिए लंगूर ही लंगूर हैं, बहुत सारे लंगूर हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गोलजू के दर्शन भी कर लेते, लेकिन लंगूरों का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किधर से भी आ रहे हैं किधर भी जा रहे हैं। और ये देखिए एक और आ गया है यहाँ पे, वो पूरी गैंग है इनकी। और ये देखिए यहाँ भी बैठा है ऊपर, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाऊँ, तो चलिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे थी बैठने की एक जगह जिसे अब रेनोवेट कर दिया गया है, और ग्लास हाउस शायद बनने वाला ना। हाँ तो ये ग्लास हाउस यहाँ पे बनने वाला है, ये देखिए बड़ा सुंदर लगेगा ये जब बन जाएगा। तो पूरा वुडन का यहाँ पे काम हो रहा है, हमारे जिलाधिकारी जो हैं DM सर धीराज गर्ब्याल जी, तो वो बड़े इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड के हैं। तो देखिए सामने फ्रेम कितना अच्छा लग रहा है, सामने बिल्कुल एक यॉट भी जा रही है। तो देखिए ये सामने है यॉट, तो बड़ा अच्छा लग रहा है विंडोज से बिल्कुल बाहर यॉट दिखाई देती हुई। और जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा, ये पूरा ग्लास अभी इसमें लगने वाला है। तो यहाँ देखिए आगे है हमारे जो इष्ट देव हैं गोलजू, उनका मंदिर ये देखिए। तो चलिए दर्शन करते हैं पहले हमारे गोलजू महाराज, ये देखिए घोड़े पे विराजमान। तो मेरी तो बहुत आस्था है इन पे, क्योंकि ये न्याय देवता भी कहलाए जाते हैं। फिर यहाँ तक जाऊँगी, आगे मेरे भोले बाबा का मंदिर है, तो चलिए भोले बाबा के दर्शन करते हैं और फिर लौटेंगे, और आपको व्यू दिखाते हुए जाऊँगी मैं लेक का, क्योंकि लंगूरों का कुछ पता नहीं है कब धक्का दे दें, लंगूर सीधे धक्का ही देते हैं। फ्रेंड्स मंदिरों के दर्शन मैंने कर लिए हैं, और मेरे पीछे जो दो लड़कियाँ हैं वहाँ पे बन रही है रील्स, तो मज़ा आ रहा था देख के उनको, लेकिन शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो बुरा मान जाए, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा विदाउट परमिशन ऐसे किसी को शूट करना। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, बड़ा सुंदर व्यू है, चलिए व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सामने है लेक का नज़ारा, और साथ में है यॉट सुंदर सी येलो और ग्रीन। देखिए लेक की ब्यूटी, हमारी नैनीताल की शान है ये, ये जो यॉट्स हैं ये हमारी नैनीताल की शान रही हैं हमेशा से और आज भी है। बड़ा अच्छा लगता है जब यॉट्स होती हैं लेक में, क्योंकि लेक की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, हालांकि अभी मौसम उतना अच्छा नहीं है, लाइट बहुत अच्छी नहीं है, धूप आ नहीं रही है अच्छी, अदरवाइज़ ये और ज़्यादा सुंदर खिल के कलर्स आते हैं यहाँ के। तो अभी कलर्स उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुंदर तो सुंदर ही है, सुंदर ही लग रहा है।
तो जितना आँखों से सुंदर लग रहा है, हो सकता है कैमरा उतना अच्छा कैप्चर ना कर पाए, लेकिन नैनीताल आप जिस भी एंगल से देखेंगे आपको सुंदर ही लगेगा। यहाँ पे है छोटी सी बर्ड, क्योंकि ये जो ठंडी सड़क का एरिया है यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ की बर्ड्स होती हैं, तो जो बर्ड वॉचिंग का शौक़ रखते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं बर्ड्स को देखने के लिए। देखिए ऊपर बैठ के जाके अभी। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अब करते हैं वीडियो को एंड, थोड़ा सा आगे से जाके। तो देखिए प्लीज़ ये ऐसी हरकतें यहाँ पे ना करें, आप देख सकते हैं बॉटल पूरी चूर चूर होके यहाँ पे पड़ी है, तो ये किसी के भी पैर में लग सकती है। यहाँ पे जानवर आते हैं, डॉग्स आते हैं, उनके भी पैर में लग सकती है। तो प्लीज़ जो लोग यहाँ पीने आ रहे हैं वो ये सब यहाँ ना करें, रिक्वेस्ट है उनसे। ये है मंदिर के पीछे बोट स्टैंड, और देखिए सामने ऊपर वहाँ पे धूप आ रही है, और बाकी धूप जा चुकी है हर जगह से, बादल लगे हैं, थोड़ा मौसम आज ख़राब है अभी, क्योंकि कुछ दिन मौसम ख़राब बताया गया है, 2-3 दिन। तो जो ऊँचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होने वाली है, और हो सकता है यहाँ भी कुछ बूंदें पड़ जाएँ। तो देखिए यॉट वापस अपनी जगह पर जा चुकी है, तो अब करते हैं वीडियो को एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ठंडी सड़क का जो एक हल्का सा वॉक था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड, और कल दोबारा किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।